पांची सूत्रीय मांगों के लिए जो जल और भूमि युद्ध चल रहा है, जिसमें असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कभी भी दिल्ली के पानी की सप्लाई, फरीदाबाद और गुड़गांव के पानी की सप्लाई बंद हो सकती है और रोड और रेल को बंद किया जा सकता है, तो हमें बार बार प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। चार बार मुलाकात तय हुई और चारों बार मुलाकात को पोस्टपोन कर दिया गया। पहले बोले कि 20 तारीख से पहले हो जाएगी, मुलाकात नहीं हुई, फिर 20 का कहा, फिर 21 का कहा, आज का 21 में दो बार समय बदला, पहले बोले चंडीगढ़, फिर बोले कि 3 बजे हरियाणा भवन दिल्ली। अब सुबह सुबह मुख्यमंत्री के निजी सचिव जो IAS अधिकारी उमा शंकर, उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया और उन्होंने कहा कि ये मीटिंग कल मुख्यमंत्री के निवास स्थान चंडीगढ़ पर होगी। तो ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बार बार स्टैंड चेंज करता हो। तो आज हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, महामहिम राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश भारत और मुख्य न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा, सब अथॉरिटीज़ को हमने ये लिखित में दिया है कि हरियाणा की संस्कृति में स्टैंड चेंज करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री है, इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार इंटरवीन करे, क्योंकि ऐसा यदि होता रहेगा तो प्रजातंत्र जो मूल्य हैं उनकी स्थापना नहीं हो पाएगी और देश अराजकता की तरफ और तानाशाही की तरफ जाएगा। तो इसलिए कल की मुलाकात को पोस्टपोन नहीं किया जाए और हमने इस आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से ये प्रार्थना की है केंद्र सरकार से कि इस मुख्यमंत्री को समझा के कल हमारी सार्थक वार्ता करवा के हमारी मांगे मंजूर करवाएं। एक तो जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए मामले हैं और दूसरा हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में जो धारा 5 है उसमें कुछ शर्तें हैं कि जो इन शर्तों को क्वालिफाई नहीं करेगा वो शादी अवैध मानी जाएगी। उसमें एक शर्त और जोड़ दो तो उसमें एक शर्त हमने जुड़वानी है ताकि सम गोत्र में ब्याह शादी को गैर कानूनी घोषित किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए SYL का पानी है अपने फरीदाबाद, पलवल का, यमुना नदी का साफ पानी होकर के जाए, कर्जा माफ़ी है, MSP की गारंटी है और इसके अतिरिक्त जो हमारे जमीन अधिग्रहण में जो सभी हमारे तथ्य हैं या हमारी जो मांग है वो शामिल है, ऐसे 25 सूत्री मांग के ऊपर हम एक पर भी पीछे नहीं हटे और अवार्ड को संशोधन करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो इसलिए देखते हैं कि कल मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का रुख क्या होता है, लेकिन अब तक जो किया बार बार पलटने का काम, जो बार बार जो समय निर्धारण किया और उससे फिर बदल दिया, ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज तक इतिहास में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो हरियाणा के लोगों ने कह दिया वो होगा और हरियाणा के सभी पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका पालन किया। हमारे इस मुख्यमंत्री से हम ये आशा करते हैं कि वो भविष्य में कम हरियाणा की संस्कृति का पालन करके अपने वायदों को पूरा किए और ये भी वादा उन्होंने किया था कि अवार्ड में संशोधन होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज हम भर्त्सना करने, विरोध जताने के लिए और केंद्र सरकार से हम इंटरवेंशन हमने मांगा, इसलिए हम DC को आकर के हमने ये ज्ञापन दिया है। जय हिंद, नमस्कार। जिस तरह वार्ता आपने रखी है, अगर कल की वार्ता में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या रणनीति किसानों की? सरकार ने यह वार्ता अगले दिन के लिए पोस्टपोन की, हमने नहीं, लेकिन यदि कल परिणाम नहीं निकलता तो हम 23 जून को वही आसोदा गांव में महापंचायत बुला रखी है और जो हमारा असहयोग आंदोलन है जिसमें रेल को रोकना, रोड को रोकना और पानी की सप्लाई को दिल्ली और गुड़गांव फरीदाबाद का रोकना, ये आंदोलन का हिस्सा हो रहेगा कि मुख्यमंत्री पे आ रहा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री, हमने इस पत्र में लिखा है, इसमें लिखा है प्रधानमंत्री को, वो रबड़ स्टैम्प बन चुका अधिकारियों की। मुख्यमंत्री कोई फैसला निर्णय नहीं ले पाता, हरियाणा के कुछ अधिकारी सरकार को चला रहे, ये आरोप नहीं, ये जिम्मेवारी के साथ मैं पूरी गंभीरता के साथ आपके सामने रखा, बिना तथ्य के रमेश दलाल कभी कोई बात नहीं रखता। तो हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री का कोई विवेक, कोई फैसला, कोई ऐसी दिखाई दे जो नहीं दिखाई दे रही, जो अधिकारी है वो इसको चला रहे हैं और अधिकारी ने रबड़ स्टैम्प मुख्यमंत्री को बना लिया, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है, इसलिए यही हमने केंद्र सरकार से प्रार्थना की।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।